तो फ्रेंड चलिए शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट मोटो व्लॉग, और वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। अगर वीडियो में आपको कुछ प्रॉब्लम लगती है या कुछ सुझाव हो आपका तो कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो गाइस अभी ISBT की तरफ से हम लोग घर की साइड चल रहे हैं, जो कि अभी ITU की तरफ से निकलने वाले हैं हम लोग। अभी हम आ चुके हैं राजघाट। अब राजघाट तो ऑलमोस्ट सभी लोगों को पता है राजघाट क्या है। राजघाट पे महात्मा गांधी जी की समाधि बनाई हुई है, और हर एक बड़े फेस्टिवल होते हैं, जैसे 2 अक्टूबर हो गया या कांग्रेस का कोई बड़ा काम होता है तो गांधी जयंती पर वो लोग इधर ज़रूर आते हैं। ये आप मेरे साइड पे देख सकते हैं, ये है गांधी पार्क, गांधी स्मृति द्वार। तो अभी हम इस इधर से ही चलेंगे, और जो हमारा रूट रहने वाला है यही रहने वाला है। काफ़ी ट्रैफिक था पीछे, लेकिन अभी इतना ट्रैफिक नहीं है, ये जनरल ट्रैफिक है। इतना ट्रैफिक तो हमेशा इधर रहता ही है। ये देखिए एल्ट्रोस, टाटा की काफ़ी अच्छी गाड़ी लगती है एल्ट्रोस, मुझे भी बेसिकली बहुत ही ज़्यादा पसंद है। अभी ये भैया कीवी बेच रहे हैं, कीवी फ्रूट बेच रहे थे अभी। तो अभी हम लोग निकलने वाले हैं लोहे की पुल की तरफ से, जिसको बहुत सारे लोग जानते हैं। एक तरीके से डबल डेकर टाइप का पुल है, नीचे से व्हीकल निकलते हैं और ऊपर से ट्रेन वगैरह निकलती है, तो काफ़ी अच्छा और सही रास्ता होता है। लेकिन कई बार क्या होता है ना, ट्रैफिक ज़्यादा हो जाता है। तो चल रहे हैं, ये है अपना सदैव अटल, इन्होंने बनाया हुआ है इधर। तो अभी हम हैं राजघाट रोड से जो सर्विस लेन अंदर की तरफ जाती है लोहे की पुल की तरफ, उस पर। और इधर ही अटल बिहारी वाजपेयी जी का समाधि बनाया इन बीजेपी वाले लोगों ने। तो अभी इधर ही लोग आते हैं, बीजेपी के काफ़ी सारे वर्कर्स भी इधर आते हैं। ये है जी अपना मेन कबूतर का दाना डालने लोग इधर आते हैं, काफ़ी सारी मूवीज़ भी यहाँ पर शूट होती हैं। काफ़ी अच्छी जगह है, काफ़ी सारे लोग इधर आते रहते हैं। तो अभी हम निकलेंगे, शॉर्टकट रास्ता है जी लोहे के पुल की तरफ से, थोड़ा सा शॉर्टकट है लेकिन अच्छी जगह है। ये MCD का ऑफिस है इधर, तो ये MCD की कार्यकर्ता है, इतने सारे लोग दिख रहे हैं। आज इलेक्शन भी है दिल्ली में, तो इलेक्शन की वजह से और ज़्यादा लोग इधर दिखते हैं। इलेक्शन का टाइम है तो इन लोगों की ड्यूटी भी थोड़ी टाइट रहती है। वैसे जनरली तो आपको पता ही है दिल्ली में कितनी क्लीनिंग होती है, लेकिन अभी इलेक्शन है तो इलेक्शन के टाइम पर तो ऑलमोस्ट सब कुछ क्लीन करते ही रहते हैं लोग। अब ये निकले हम फ्लाईओवर के नीचे से, ये शॉर्टकट रास्ता है जी लोहे के पुल को जाने का। अब लोहे का पुल ही है जो हमारे घर की तरफ जाता है, तो हम शॉर्टकट ही लेते हैं। लॉन्ग कट तो फिर उस सर दूसरी साइड से आना पड़ता है, ISBT की साइड से, और वहाँ ट्रैफिक ज़्यादा हो जाता है और टाइम भी ज़्यादा लगता है। तो टाइम को बचाने के लिए मैं इधर से निकल जाता हूँ कई बार। ये देखिए रास्ता कचौड़ी वगैरह बेच रहे हैं लोग। मैं जनरली रात में निकलता हूँ यहाँ से, काफ़ी सुनसान होता है, तो आज मैं ऑफिस से जल्दी आ रहा हूँ तो इसलिए यहाँ काफ़ी खुला खुला सा महसूस हो रहा है। ये ले भाई, ये जी हम लोहे की पुल की साइड बढ़ रहे हैं। अब देखते हैं, वैसे ट्रैफिक का टाइम जो होता है वो इवनिंग का होता है, ऑलमोस्ट 6 PM के बाद, लेकिन अभी दिन का टाइम है तो मे बी शायद कम ट्रैफिक हो। हाँ ट्रैफिक तो कम ही लग रहा देखने में। हाँ दिन में इतना ट्रैफिक होता नहीं है, जनरली यहाँ शाम को ट्रैफिक ज़्यादा होता है। अभी देखिए ये जी लोहे का पुल, जो कि अंग्रेजी टाइम से यहाँ बना हुआ है, अंग्रेज़ों ने ये बनाया था, और इसकी मजबूती आज भी वैसे ही है, कोई ख़ास फ़र्क देखने को नहीं मिला है। लेकिन टाइम टाइम पे यहाँ मेंटेनेंस का काम होता रहता है, जिसके चलते ये अभी भी चल रहा है। इसके ऊपर की साइड अगर आप देखेंगे तो यहाँ ट्रेन गुजरती है दोनों साइड पे। तो ये एक तरीके से दो ड्यूल वर्क में यूज़ होता है। अभी इस तरफ ये जमुना आ रही है, जो कि
वज़ीराबाद की साइड से ये निकलता है पानी, और इस पे ब्रिज का काम चल रहा है। और ऑलमोस्ट कितने साल हो गए इधर ये काम चलते हुए, 5-6 साल से तो मैं लगातार देख रहा हूँ, अभी तक तो ये ब्रिज इनसे बन नहीं पाया है जो सेकंड ब्रिज इनको बनाना है एक्सटेंशन। अभी तो ये जो भी यूज़ हो रहा है ये पुराना वाला यूज़ हो रहा है, तो देखते हैं कब तक ये बनाते हैं। अगर ये बन जाएगा तो ट्रैफिक काफ़ी स्मूथ चलेगा इधर। ट्रैफिक की सबसे बड़ी दिक्कत यही है ना, सिंगल लेन और व्हीकल्स ज़्यादा होते हैं, क्योंकि दिल्ली 6 की तरफ बहुत सारे लोग जाते हैं, जो कि आपका लाल किला हो गया, जामा मस्जिद हो गया, इधर काफ़ी सारे लोग आते जाते रहते हैं, ऐसे ऑटो ज़्यादा चलते हैं। और ये एक तरीके से कॉमन वे है छोटी गाड़ियों के लिए, क्योंकि बड़ी गाड़ी तो इस पर अलाउ नहीं है, लेकिन छोटी गाड़ियाँ इधर चलती रहती हैं। अभी थोड़ा थोड़ा ट्रैफिक लग रहा है देखने। यार ट्रैफिक में ना मेरे को मज़ा नहीं आता सच में गाड़ी चलाने का। मुझे बाइक चलाने का सही मज़ा आता है जब भी रोड खाली होता है ना, तो आप खुद की हिसाब से चला सकते हो। लेकिन ट्रैफिक का तो, आप दिल्ली में रह रहे हैं तो ट्रैफिक तो झेलना ही पड़ेगा। अभी देखो भाई ऑटो वाले से तो मैं सच में दूर ही चलना पसंद करूँगा, क्योंकि इनका भरोसा नहीं होता किधर कब घुमा दें। अभी 2-4 दिन पहले मैंने इंसिडेंट देखा था यहाँ पर, एक ऑटो वाले की वजह से एक आदमी बहुत तेज़ी से नीचे गिरा था, वरना उसका सर भी कार में लग गया था। तो भैया और 2-2 मिनट में झगड़ा करने लग जाते हैं लोग। और सबसे बड़ी बात है इसके अंदर पैसेंजर बैठे होते हैं आगे पीछे देखते नहीं हैं, सीधा पान गुटखा थूक देते हैं बाहर की तरफ, तो कपड़ों पे आने का भी डर रहता है इधर। अब इसके नीचे देखेंगे आप काफ़ी सारी जो यूपी की साइड हो गया अपना, दूसरे स्टेट में जो बसें जाती हैं जो प्राइवेट सेक्टर का काम है ये, तो ये भी इधर खड़ी होती हैं। इससे पहले यहाँ पर सब्जी मंडी हुआ करती थी, तो जो कि पुल बन रहा है तो इसलिए शायद वो शिफ्ट कर दिया, अभी लोग इधर नहीं लगा रहे। लीजिए जी, क्रॉस हो गया अपना लोहे का पुल, तो अभी ये लोग इधर लगाने लगे हैं सब्जी मंडी वाले। बेसिकली ये एरिया है शास्त्री पार्क मेट्रो स्टेशन की साइड का। अब ये मार्केट आप देख रहे हैं, सभी तरीके की सब्जियाँ इधर मिल रही हैं। ये देखिए ये सीधा रास्ता शास्त्री पार्क मेट्रो स्टेशन की तरफ जा रहा है, और अभी हमें जो निकलना है ये देखिए, अभी मैंने बोला था ना थूक देते हैं लोग, तो सेम चीज़ अभी देखने को मिली। इस वजह से काफ़ी सारे ना इनके साथ पंगे भी होते रहते हैं 3rd-4th दिन, लेकिन मजबूर हैं ये लोग, नहीं मानते हैं, ये करते वही हैं जो इनको करना होता है। अभी लोग बोलते रहते हैं, इनको बोलते रहो, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखो इलेक्ट्रिक गाड़ी भी दिल्ली में धीरे धीरे बढ़ रही है यार, देखने में भी अच्छी लगती है। अब ये है फ्रूट मार्केट, यहाँ सभी टाइप के फ्रूट मिल जाते हैं, हमेशा मिल जाते हैं, तो अगर इस तरफ आते हो तो ज़रूर विजिट आए करें इधर। राइट आ गई है, 5, 3, 2, 1 एंड गो। लो जी ग्रीन सिग्नल हो गया, अभी निकल रहे हैं हम। तो अभी हम पहुंच चुके हैं जी, ये है अपना फर्नीचर मार्केट, काफ़ी वर्ल्ड फेमस मार्केट है, यहाँ बहुत सारे लोग फर्नीचर लेके जाते हैं, काफ़ी सस्ती कीमत में फर्नीचर इधर मिल जाता है। मैंने भी कई सारी चीज़ें इधर से ली हुई हैं, तो क्वालिटी भी ठीक ही मिलती है इधर। अभी हम शास्त्री पार्क के अंदर से निकलेंगे, रोड काफ़ी टूटा फूटा हो रखा है, अभी इलेक्शन चल रहा है ना, वोट मांगने आएंगे, रोड का भी नाम लेंगे, लेकिन एक्चुअल में रोड बनेगा नहीं, क्योंकि सिर्फ कैंपेनिंग होती रहती है, रिजल्ट कुछ होता नहीं है, लोग वोट लेते हैं और लेके चले जाते हैं, ना ही कोई इनको बोलने वाला है, ना ही कोई इनकी सुनने वाला है। अभी जनता के बीच आएंगे और अपना काम करवाएंगे और चले जाएंगे। अब ये सब तो हम लोगों को देखना पड़ेगा ना, किस आदमी को चुनना है और किसको। तो फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए वीडियो।